हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है, 5:15 बजे उठा, टॉयलेट के आ गया। अभी चलते हैं, इधर ब्रश व्रश रखा हुआ है तो ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घूमने। तो चलिए फिलहाल ब्रश करते हैं। फाइनली दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घूमने, और जहाँ आता हूँ हमेशा उसी जगह पे। और दोस्तों अभी 6 बजने वाला है लगभग, और इस समय का भी देख सकते हैं इस तरह का है, धुंध लगा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है, इसलिए देख सकते हैं लाइट जला के वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर, और वीडियो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चलेंगे। चलिए फिलहाल एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज कर लिया, वीडियो अपलोड भी हो गया, और अब थोड़ा सा आगे से आते हैं घूम करके, फिर चलेंगे घर। तो घर पर चल के फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी का रूटीन जो है ना, पहले सुत के उठ के टॉयलेट ब्रश करके और पढ़ाई करता था, लेकिन अभी थोड़ा लेट के थोड़ा उठता हूँ। 5:30 बजे उठता हूँ, तो 5:30 बजे उठता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं घूमने। और यहाँ से घूम के चलते हैं, फिर उसके बाद में चाय पीने के साथ साथ जो है ना किताब पढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों इधर घूम लिया, अब चलेंगे तो किताब पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में जो है ना सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने के लिए थोड़ा सा किताब पढ़ना या किसी भी तरह से सीख सकते हैं। सीखने की ललक होना चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं ना तो जितना बंद हो जाता है आपका। मैं बुक रीड इसलिए करता हूँ क्योंकि दोस्तों किताब पढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा सा जो टेंशन क्या बोलते हैं उसको इम्प्रेशन रहता है, टेंशन वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और खुद को बहुत ही मोटिवेट फील करते हैं। इसलिए किताब पढ़ते हैं, और उसमें से जो है ना बहुत अच्छा अच्छा जानकारी भी मिलता है जो मुझे मालूम नहीं है, और सबसे मेन बात कि बहुत ही अच्छा लगता है, सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है किताब पढ़ते हैं। तो कितना भी टेंशन रहता है, जब किताब पढ़ते हैं तो टेंशन ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ काम और ज़्यादा करने का मन करने लगता है, इसलिए किताब पढ़ते हैं। और इस बात का जो है ना घर के आदमी कोई समझता ही नहीं है, जब किताब पढ़ने लगते हैं तो सब जो है ना कुछ बोलने लगते हैं कि किताब पढ़ता है ही पढ़ता है। उनको थोड़ी ना मालूम है कि किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं पढ़ता हूँ। और जब किताब पढ़ने लगता हूँ तो सब जो है ना किरकिर करने लगते हैं किताब पढ़ने पर भी, तो इस वजह से जो है ना किताब तो बहुत सारा खरीद लिया हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ सुबह के समय में, या कभी भी नहीं पढ़ पाता हूँ। जब भी देखते हैं पढ़ता हुआ तो किरकिर करने लगता है, बोलने लगता है, ऐसे मोबाइल देखते रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, मतलब ज़्यादा देखते हैं तो बोलता ही है मोबाइल भी, लेकिन अगर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखना और किताब पढ़ने की बात करें तो किताब पढ़ते हैं तो किरकिर करने लगता है, और मोबाइल देखते हैं तो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। और जब ही देखता है किताब पढ़ने लगा तो कोई भी बात करके, कोई भी बात को लेकर के किरकिर करने लगता है, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत टूट जाता है और डाउन हो जाता है, किताब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों फिर भी हम मतलब जो है ना ज़बरदस्ती करके किताब पढ़ते हैं, और क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का फ़ायदा मालूम पड़ गया है इसलिए मैं किताब पढ़ना बंद नहीं करता हूँ। और बहुत सारे किताब लगभग 32 वाले किताब खरीदा गया है, खरीद लिए हैं, बारी बारी से खरीदे हैं, कभी इस महीना में एक वक्त, 2-3 महीना बाद 2-3 गो, ऐसे करके खरीदते खरीदते 32 गो पुरा लिए हैं। और उसमें से जो है ना बहुत सारे किताब पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, क्योंकि जब भी बता ही दिए हैं, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ बस किरकिर करने लगता है और किताब पर फोकस नहीं हो पाता है, इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, घर पे चल के और फिर किताब पढ़ेंगे। उन लोगों को बोलना होगा, बोलेगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ना है और ज़िंदगी में सीखना ज़रूरी है, तो पढ़ेंगे तो ज़रूर ही। और मैं सीखने पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, या वो चाहे सोशल मीडिया से हो, किताब से हो, या किसी लोग से हो, किसी से हो, सीखना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं किताब पढ़ना नहीं छोड़ूंगा।
दोस्तों अभी सूर्योदय हो गया है, तो अभी आप लोगों को सूर्य महाराज के दर्शन कराते हैं। तो आइए देख सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए दोस्तों। ओम श्री सूर्य देवाय नमः, ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अभी यहाँ तक घूम लिए और चलते हैं घर दोस्तों, और किताब पढ़ते हैं। दोस्तों अभी घर आ गया हूँ और आज ये बुक रीड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बुक रीड कर रहे हैं। दोस्तों टाइम अभी हो गया है कितना, 7:45 हो रहा है अभी, तो 15-20 मिनट बुक रीड करते हैं। और दोस्तों बुक रीड करने के लिए जो है ना रूम छोटा ही चाहिए, लेकिन उसमें जो है ना कुछ नहीं दिखना चाहिए। दिख रहे हैं कितना सारे सामान सब है, हर तरह का सामान सब है, तो इतना सामान नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ बुक दिखना चाहिए और बस, और कुछ नहीं। या कोई भी काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं वही चीज़ दिखना चाहिए और बाकी नहीं। अगर फालतू चीज़ रहेगा तो हर चीज़ पर ध्यान जाता रहेगा। इसलिए कोई भी काम हो या पढ़ाई हो कुछ भी हो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस रूम में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई वाला ही सामान होना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं, अगर फ्री कर रहे हैं तो सिर्फ फ्री वाला सामान ही रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस रूम में देख सकते हैं बहुत सारे आइटम हैं अलग अलग प्रकार का, जिस पर ध्यान जाकर भटक जाता है, इस वजह से है ना काम पर फोकस नहीं मैं कर पाता हूँ। चलिए दोस्तों फिलहाल बुक रीड करके थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं।